हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये सब्जेक्ट अगेन हमें स्टडी करने को मिलता है बीबीए थर्ड सेम में और इसका पेपर कोड हो जाता है 303। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी। पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पसंद आता है एज अ सब्जेक्ट इसको स्टडी करना, और काफ़ी इजी भी है बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए। इतना कुछ इसमें समझना या फिर इतना कुछ इसमें रटने की नीड नहीं होती है। बहुत बेसिक बेसिक के कॉन्सेप्ट हैं बीबीए के सिलेबस में, बस आपको नीड होती है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की। सो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज आपकी डेट शीट भी सीसीएसयू की वेबसाइट पर पोस्ट कर दी गई है। होपफुली आपके एग्जाम जनवरी लास्ट या फिर फरवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, सो बी प्रिपेयर। अभी तक जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने यूट्यूब पर पोस्ट कर दिए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज के, वो प्लीज आप देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिएगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है कि इकोनॉमी क्या होती है। अब इसको मुझे समझाने की या फिर एक्सप्लेन करने की आई होप नीड नहीं होनी चाहिए, सभी को वेल अंडरस्टूड होगा कि व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी आपका वेल्थ एंड रिसोर्सेज होती है हर एक पर्सन की, आपकी कंट्री की। उसी के साथ हमने डिस्कस करना है कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स हैं आपके इंडियन इकोनॉमी के। ये क्वेश्चन होपफुली रेज होगा ही होगा, सो प्लीज आप ये यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन स्किप ना करिएगा। देखिए, यूनिट फर्स्ट से आपको ओनली टू क्वेश्चन स्टडी करने हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज इकोनॉमी, डिस्कस द मेन करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेकेंड आपका क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं, अगर आपकी कंट्री का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है। डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, केवल उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, वो आपका कहलाता है डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका डेवलपमेंट है। अगर हम ह्यूमन बॉडी का भी एग्जाम्पल ले तो जिसकी पहले एक पर्सन की हाइट 3 फुट थी, 3 इंचेस थी, उसके बाद में 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, तो वो आपका ग्रोथ है विच कैन बी मेजर। बट डेवलपमेंट, पहले उसका आईक्यू लेवल कुछ था, अब उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो गया है, या फिर और किसी तरह का कोई डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। साथ ही वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ये भी आपको अच्छे से क्लियर करना है। दोनों में डिफरेंस का क्वेश्चन भी रेज हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। सो ये आपको क्वेश्चन करके जाना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। पॉपुलेशन के बढ़ने के क्या रीजन है, रैपिड ग्रोथ के क्या रीजन है, और उसके लिए आपको सजेस्ट करना है रेमेडीज। देखिए, पॉपुलेशन अगर आपके इंक्रीज होगी तो उसी के साथ जो भी आपके पास में रिसोर्सेज हैं वो सारे ही यूटिलाइज हो रहे हैं या हो चुके हैं, अब आपके पास में उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी रेज होगी पॉपुलेशन के रेज होने के बाद में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर भी काफी इफेक्ट पड़ने वाला है, लिटरेसी और इलिटरेसी रेट पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करेंगे आपके पॉपुलेशन की ग्रोथ को। सो आपको इसको रोकना है तो इसके लिए क्या रेमेडीज देंगे आप इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको नहीं स्किप करना है। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी क्या होता है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहां पर जो इम्प्लॉय एक्सपेक्टेड जितना उसको मिलना चाहिए वो उसको सैलरी नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से वो जॉब को स्विच कर देता है, या फिर जो वो डिजर्व करता है उसको उतना सैलरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार होकर बैठा हुआ है एक यूथ जो है वो कोई जॉब नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन को बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अगर हमारी कंट्री में और ज्यादा रेज होगी तो हमारी इकोनॉमी डेफिनेटली डाउन जाने वाली है। सो अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही पॉवर्टी मीन्स गरीबी का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या क्या रीजन है, इसके क्या क्या सजेशंस हैं, ये सभी आपको स्टडी करना है, मीन्स एक डिटेल स्टडी करनी है अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी की। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपका वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग किसी भी वे में रेज हो सकता है। इसको आपको कंप्लीटली स्टडी करना है, बिल्कुल रट लेना है ग्रीन रेवोल्यूशन को। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या योगदान रहा है इंडियन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, कौन कौन से मेन फीचर्स रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के,
क्या क्या उसमें करेक्टरिस्टिक्स रहे हैं, कब हुआ था ये सारा सब कुछ आपको कंप्लीट स्टडी कर कर जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है SSI मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है SSI को प्रमोट करने के लिए, क्या फीचर्स होते हैं SSI के, इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें ना क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट का, वो इंडस्ट्रीज जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है वो आपका SSI कहलाता है। इस पर मैंने काफी डिटेल्ड वीडियो शायद पोस्ट कर रखी है, सो आप प्लीज वो देख लीजिएगा। अदरवाइज आप अपने नोट्स से भी स्टडी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है SSI का, और कौन कौन से गवर्नमेंट मेजर्स हैं आपके, कौन कौन से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं आपके एंटरप्रेन्योर को या SSI को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए। देखिए SSI इंडस्ट्री मीन्स आपकी हैंडलूम इंडस्ट्री, खादी इंडस्ट्री या फिर पेपर बैग्स की इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ये आपकी SSI इंडस्ट्री है। आप प्लीज इनको अच्छे से क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका SWOT एनालिसिस करना है आपको टेक्सटाइल, स्टील या फिर कॉटन इंडस्ट्री का। इन तीनों में से किसी एक पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का SWOT एनालिसिस कीजिए या फिर स्टील इंडस्ट्री का SWOT एनालिसिस कीजिए या फिर कॉटन इंडस्ट्री का SWOT एनालिसिस कीजिए। इंपॉर्टेंट है SWOT एनालिसिस, हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है एब्रीवेशन का। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या रेमेडीज हैं, ये आपको कंप्लीटली स्टडी करना है। यूनिट 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नीति आयोग का है। इस पर मैंने कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो काफी डेज पहले पोस्ट करी थी, वो प्लीज आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी नीति आयोग की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आएगा ही आएगा। देखिए नीति आयोग का आपका थिंक टैंक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके प्रेसिडेंट आपके CM होते हैं, मींस नरेंद्र मोदी जी उसके प्रेसिडेंट हैं। नीति आयोग से पहले जो कमीशन था वो आपका प्लानिंग कमीशन था, सो उनमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस है। साथ ही आपको स्टडी करना है नीति आयोग के फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्यों बनकर तैयार हुआ नीति आयोग, मीन्स आपको कंप्लीट टॉपिक स्टडी करना है नीति आयोग का। आपका वेरी लास्ट क्वेश्चन हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया आपको बताना है, कि स्ट्रक्चर बताना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। जो जो आपको बैंकिंग सिस्टम देखने हैं या फिर जिनका स्ट्रक्चर देखना है, उसमें से कुछ सेलेक्टिव मैं आपको बता देती हूँ, कंप्लीट स्टडी करने की नीड नहीं है। एक तो आप RBI देख लीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RRB रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपको देखना है, साथ ही कॉरपोरेटिव बैंक। केवल आप ये 3 बैंक्स की स्टडी कर लीजिएगा और एक IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, होपफुली आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन रेज होंगे, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। हाँ अगर 1-2 क्वेश्चन अप डाउन हो जाते हैं सो प्लीज उसके बारे में ज्यादा बोदर होने की नीड नहीं है, आप ये क्वेश्चन कीजिएगा। आई होप कि आपको 100% या फिर 90% क्वेश्चन यहीं से ही मिले। अब अगेन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ का आपको करना है, लैंड टेन्योर सिस्टम, ये आपका टैक्स सिस्टम होता था पहले, चलता था आपका लैंड टेन्योर सिस्टम, मीन्स बट्टे पे जब आपकी जमीन दे दी जाती थी तो उसका टैक्स वगैरह आपको देना होता था, वो सिस्टम आपका लैंड टेन्योर सिस्टम था। ग्रीन रेवोल्यूशन अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है ये बताना है। देखिए जो इंडिया की इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, आपकी 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है, ये आपने 12th में पढ़ा होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। देखिए एवरी ईयर ना एक इंडेक्स बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें देखा जाता है कि लिटरेसी रेट क्या है, हर एक पर्सन का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका एक इंडेक्स बनता है जिसे बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली भी रेज हो सकता है, और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मैंने आपको बता दिए हैं, RBI, RRB और आपका SIDBI और SEBI, साथ ही आपको IDBI, ये आपको कंप्लीट कर जाना है, इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। प्रिपरेशन में लग जाइए, आपकी डेट शीट आ चुकी है, एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं। और वन मोर थिंग गाइस, ये काफ़ी बार मुझसे क्वेश्चन किया जाता है लास्ट सेम के स्टूडेंट का कि मैम ये वीडियो नेक्स्ट ईयर के लिए भी रहेगी क्या, सो डेफिनेटली जब तक आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज नहीं होगा ये वीडियो आप किसी भी सेम में देख सकते हैं, किसी भी सीजन में, किसी भी सेशन में आपकी हेल्पफुल रहने वाली है।
सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज. आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज.